अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये वीक भी मार्केट के लिए एक वॉलेटाइल वीक रहा, जिसके अंदर इस रिकॉर्डिंग के वक्त अगर हम देखें तो तकरीबन इंडेक्स प्रीवियस वीक के मुकाबले में 500 पॉइंट्स डाउन है, और अगर हम परसेंटेज टर्म्स में देखें तो तकरीबन 1% का नेगेटिव चेंज इंडेक्स इस वक्त फेस कर रहा है। इस वीक के आगाज़ से ही हमने देखा कि इंडेक्स ने बेरिश सेशन को जो है वो फेस करा, और इस वीक के अंदर इंडेक्स ने एक पैटर्न को फॉलो करा, जिसके अंदर इंडेक्स ने अपने लोज़ को एक्सटेंड करा और अपने हाइज़ को श्रिंक करा। और साथ में इंडेक्स को अगर हम देखें तो जिस फ्लैग पोल की हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, इंडेक्स इस वक्त अपने 23.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, और इस वीक के अंदर इंडेक्स ने अपने 30-डे मूविंग एवरेज को भी ऑनर करते हुए उसके ऊपर अपनी सस्टेनेंस दिखाई है, जो कि इस वक्त करंटली 47,200 से 47,000 के लगभग एरिया में लाई कर रहा है। इंडेक्स अगर 47,000 के मार्क के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो मे बी उसमें प्रेशर थोड़ा प्रिवेल हो सकता है, जो कि इंडेक्स को नेक्स्ट सपोर्टिंग स्टेशन की तरफ लेकर जा सकता है, और वो इस वक्त करंटली 46,300 से 46,000 के एरिया में लाई करता है। दूसरी जानब अगर हम अपसाइड की बात करें तो इंडेक्स को इस वक्त इमीडिएट बेसिस पे 48,000 की एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस का सामना है। अगर ये इंडेक्स इस रेजिस्टेंस को 48,000 की रेजिस्टेंस को क्लियर करके अपसाइड पर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो उससे चांसेस ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाएंगे कि इंडेक्स अपने जो रीसेंट हाइज थे उनको रिविजिट कर सकता है और वो 49,000 और 49,400 के एरिया में लाया करते हैं। फिलहाल इन्वेस्टर्स को ये हमारी तरफ से रिकमेंडेशन होगी कि वो 47,200 से 47,000 वाले एरिया के पास काफ़ी नज़र रखें और वहाँ पर एक कॉशियस अप्रोच रखते हुए अपनी पोजीशंस को एक्यूमुलेट करें। सेक्टोरल पिक्स के हवाले से बात करते हुए अगर हम कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स के अंदर UBL बैंक, मिज़ान बैंक और इसके अलावा हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक का हमें चार्ट वाइज बेहतर नज़र आते हैं, इनमें पोजीशंस बनानी चाहिए। अगर हम बात करें ENPs की, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की, तो उसके अंदर PPL, OGDC और पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स POL ये बेहतर नज़र आते हैं, इनमें पोजीशंस बनानी चाहिए। जबकि अगर हम OMCs को देखें जो कि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनके अंदर PSO, शेल पाकिस्तान, इसके अलावा SNGP और हाईटेक लुब्रिकेंट्स बेहतर नज़र आते हैं, इनमें पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। रिफाइनरीज की अगर हम बात करें तो एक कंजेशन फेज़ रिफाइनरीज़ के अंदर इस वक्त नज़र आ रहा है, लेकिन इनके अंदर अगर कोई डिप आती है तो उसको भी अपॉर्चुनिटी कंसीडर करना चाहिए, और रिफाइनरीज़ के अंदर मेनली ATRL और PRL को देखना चाहिए। साथ में अगर हम देखें फर्टिलाइज़र सेक्टर को, तो फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर एंग्रो कॉरपोरेशन और फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ये हमें बेहतर नज़र आते हैं, इनके अंदर पोजीशन बना लेनी चाहिए। फॉर रियल टाइम टेक्निकल एनालिसिस एंड क्यूरीज काइंडली विजिट अस एट akdsl.com।